होता है, पर्यवेक्षक उसकी जानकारी देते हैं, उस अनुसार बहुत जल्दी आपको जो है शुभ सूचना मिल जाएगी। कोई खींचतानी, कोई कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये केवल आपके कयास है। बाबा बालकनाथ का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे जो नाम चल रहा है वो गलत है, आप लोग मत करिए। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित पार्टी जो निर्णय करेगी सबके लिए श्रोधारे। अशोक गहलोत जी ने आज एक बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि अगर हमारे कांग्रेस में ऐसा होता, 5-7 दिन अगर नाम नहीं घोषणा होता तो बीजेपी वाले ना जाने क्या क्या बोलते हैं, आप उनके यहाँ क्या हो रहा है? अशोक गहलोत अपने गिरेबान में झांके, उनके नेता कैसे तय हुआ और कब तय हुआ, उनका मंत्रिमंडल कैसे तय हुआ और कब तय हुआ, विभागों के वितरण में कितने हैं, ये सारी कुश्ती कांग्रेस में है, इसलिए उनको हरे को हरा ही दिखता है, इसलिए पार्टी के अंदर उनको ये दिखाई देता है हमारी पार्टी की चिंता उनको करने की कोई जरूरत नहीं। उनके नेता, उन्होंने कौन सा नेता प्रतिपक्ष तय कर लिया जो हमारे में कह रहे हैं? सर एक बार, एक कांग्रेस वाले तो बार बार ये बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल में हमारे यहाँ जो खींचतान रही थी मुख्यमंत्री, वैसी ही हालत बीजेपी में नजर आएगी क्योंकि नेता बहुत है, नाराजगी बहुत होगी। ऐसा कहीं नहीं है, हमारे साथ सब लोग संगठित अनुशासित कार्यकर्ता है, सब पार्टी तय करेगी, हमारे नेता है, उपाध्यक्ष है। हमारे साथ है वासुदेव।